हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इससे पहले वाली वीडियो में अपन वेटेड इंडेक्स नंबर और सिंपल एवरेज इंडेक्स नंबर या सिंपल इंडेक्स नंबर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पर जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर अपन देखें तो अपन ऐसे देख सकते हैं कि प्राइसेस कितनी बढ़ रही है मार्केट में, वो भी उन गुड्स की जो कंज्यूमर खरीदते हैं। जैसे कंज्यूमर यानी अपन नॉर्मल पीपल जो भी किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं यानी उपभोग करते हैं, ठीक है। तो मतलब उनकी गुड्स की प्राइसेस जितनी बढ़ रही है वो अपन किस में मेज़र करते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंज्यूमर है जो ब्रेड खरीदता है, ठीक है, वो ब्रेड थी 10 रुपीज़ की। अब जैसे ही वो 10 रुपीज़ की ब्रेड बढ़ गई, उसकी प्राइस बढ़ गई, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा और वो कितनी परसेंट बढ़ी है और कितनी परसेंट नहीं बढ़ी है, वो सारी चीज़ जो भी अपन कैलकुलेट करते हैं वो किस में आता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आता है, ठीक है। ये चीज़ अपन समझ चुके हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इसके अंदर क्या होता है। तो देखो, पढ़ते हैं अपन। द इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग द एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटीज़। मतलब ये क्या बताता है कि एवरेज कॉस्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 10 रुपये की चीज़ थी, वो 15 रुपये की हो जाती है, तो कितना इंक्रीज हुआ? 50% का इंक्रीज हुआ। और अगर इंडेक्स नंबर के टर्म में बोले तो 150% हो गया, ठीक है। पहले 100% था, अब 150% हो गया। समझ गए इस चीज़ को। फिर अगर अपन बात करते हैं कंज्यूम्ड बाय द क्लास ऑफ पीपल एंड हेल्पिंग देम टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द करंट ईयर एज इन द बेस ईयर इज नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझो ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मेन वर्क क्या है, वो चीज़ ये बता रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मेन वर्क क्या है कि वो आपको ये बताता है कि प्राइसेस में कितना इंक्रीज हुआ और उसके हिसाब से आपकी इनकम में कितना इंक्रीज होना चाहिए, वो चीज़ ये बताता है। अब वो कैसे? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ब्रेड का ही एग्जांपल देते हैं। ब्रेड का एग्जांपल देते हैं अपन, ठीक है। अब जब पहले ब्रेड मिल रही थी 10 रुपीज़ का पैकेट, अब एक पर्सन उसको 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था, मतलब एक पर्सन उसकी 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, और उसके 10 यूनिट कंज्यूम करने पर उसकी कितनी प्राइस लगी? 100 रुपीज़ लगे। अब क्या होता है, उसकी प्राइस बढ़ गई, यानी ब्रेड की प्राइस बढ़ गई और हो गई 15 रुपीज़, ठीक है। अब 15 रुपीज़ हो गई, अभी भी उसको क्या करना है? 10 यूनिट ही कंज्यूम करने पड़ेंगे। तो जब अब वो उसके 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसको कितने देने पड़ रहे हैं? 150 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। समझ रहे इस बात को कि पहले उसको 100 रुपीज़ पे करने पड़ रहे थे, अब उसको 150 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। अब जब उसको 150 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं तो एक तरह से पहले उसकी इनकम कितनी थी? 100 रुपीज़ थी। अब उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 150 रुपीज़ होनी चाहिए। तो ये जो फ़र्क है ये कौन बताता है अपन को? ये अपन को कंज्यूमर इंडेक्स नंबर बताता है कि किसी भी कंज्यूमर को किसी भी गुड पे प्राइस बढ़ने पे कितना एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहा है, और जब वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है तो उनकी इनकम भी कितनी ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए, उनकी इनकम में भी क्या फ़र्क आना चाहिए, वो कौन बताता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है। ये चीज़ समझ गए आप। अब देखो ये क्या कहता है, द मेन एम ऑफ बिहाइंड दिस डिज़ाइन इज टू मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या कह रहा है कि ये मेज़र करता है किसको? बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप सोचोगे यार ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? तो बास्केट एंड गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे समझो कि ये क्या है, एक बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारे क्या रखी हुई है? गुड्स एंड सर्विसेज रखी हुई है। अब आप बोलोगे यार हम बास्केट लेके मार्केट में जाते हैं, हमने चलो मान लिया कोई गुड्स रख लिया, अब सर्विसेज कैसे रखोगे? तो सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ आप फिजिकल गुड नहीं रख रहे हो, सर्विसेज टर्म कैसे कि आपका इनकम का कौन कौन सा हिस्सा जो आप कंज्यूम कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई इंसान है जिसको पेट्रोल का खर्चा लगता है, तो पेट्रोल आपकी इस बास्केट में आ गया, मतलब आपके मंथली खर्चा इसमें लगेगा। फूड आ गया, क्लोथ आ गया, ठीक है, और फिर देखो आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, होम रेंट आ गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस पर आप अपना पैसा खर्च करते हो वो क्या हो जाएगा? एज ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा। अब जब आप पहले ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे थे उसके लिए आपको खर्च करने पड़ रहे थे मान लो 7,000 रुपये। अब जब आप ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो तब आपके लग रहे हैं 9,000 रुपये। तो देखने में क्या फ़र्क पड़ रहा है कि हाँ प्राइसेस बढ़ चुकी है, मतलब वो बास्केट की प्राइसेस अब बढ़ चुकी है। समझे इस बात को। तो ये बताता है कौन? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एज ए कंज्यूमर के नज़रिए से। समझे इस बात को।
फिर आगे चलते हैं अपन, अदर नेम्स क्या है इसके, किसके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। अदर नेम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और क्या कह सकते हैं, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और फिर लास्ट अपन बोल सकते हैं इसको रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी रिटेल में कोई भी गुड्स जितने में मिल रहे हैं किसको, कंज्यूमर को, तो उसका अगर इंडेक्स नंबर निकाले तो वो क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, समझे। आगे चलते हैं अब। अब देखो स्टेप फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो स्टेप फर्स्ट में क्या देखते हैं अपन, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्कोप एंड द कवरेज ऑफ द इंडेक्स। इसके अंदर देखो मेनली इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है कि अपन कौन से ग्रुप ऑफ पीपल को एनालाइज करना चाहते हैं, मतलब जिनका कंजम्पशन एनालाइज करना चाहते हैं, वो किस में आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप एंड कवरेज में। अब देखो पांच टाइप के पीपल होते हैं, 2, 3, 4, 5। अब आप लोगों के पांच टाइप के कैसे होते हैं भाई, लोग तो सिंपल एक जैसे होते हैं, नहीं, इनकम के हिसाब से अपन डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से कर सकते हैं, एक तो रिच, ठीक है, और फिर एक और होता है एक वेरी रिच, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच, जैसे अंबानी वगैरह, ये भी मान सकते हैं ये बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। फिर होते हैं रिच, फिर होते हैं हायर मिडिल क्लास, अब लोअर मिडिल क्लास, फिर पुअर, पी पुअर और वेरी पुअर, ठीक है। ये छह टाइप के मान लो नॉर्मल पीपल होते हैं, एक इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब जब अपन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना चाहते हैं, अपन ये देखना चाहते हैं कि कौन इंसान कितना खर्च करता है, तो सबका अलग अलग निकलेगा। अब आप पूछ सकते हो क्यों भाई, रोटी कपड़ा मकान तो सबके पास ही होना चाहिए, सभी यूज़ करते हैं, बट देखो अब क्या हो सकता है, कोई इंसान खाने में ऐसा खर्च करता है जो बहुत लग्जरी खाना खाता है, ऑर्गेनिक खाना खाता है, बट जो लोग गरीब है वो क्या करेंगे कि यार कोई सा भी खाना मिल जाए बस पेट भरना चाहिए, मानते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे अगर वेरी पुअर पीपल की बात करें कि इनके पास कार नहीं है, बाइक नहीं है, तो पेट्रोल का खर्चा करेंगे ही नहीं। अब हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वगैरह, रिच, वेरी रिच, इन सब का पेट्रोल का खर्चा क्या होगा, मैंडेटरी होगा, क्योंकि इनके पास बाइक होगी, कार होगी, तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो ये इन पर खर्चा करेंगे, 100% इनको खर्चा वहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है, इनका खर्चा मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि हाँ यार ये खर्चा इनको करना पड़ेगा। बट अब अपने देखा, एनालाइज किया कि रिच का खर्चा पेट्रोल पे है, बट पुअर का खर्चा पेट्रोल पे नहीं है, तो इसलिए अलग अलग ग्रुप को जब अलग अलग अपन एनालाइज करते हैं तो सबका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग अलग निकलता है, समझे इस बात को। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, फैमिली बजट इंक्वायरी। तो अब जैसे अपन ने चूज कर लिया कि अपने काम करते हैं वेरी पुअर पीपल पे रिसर्च करते हैं, देखते हैं इनका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, ओके। तो जब अपन ने ये देखा तब अपन ने क्या किया, एक तरह से इनकी पूरी फैमिली उठा ली और उस फैमिली का खर्चा देखा कि जो भी वेरी पुअर पीपल हैं उनका खर्चा क्या है, किस किस चीज़ों पर। अपन फाइव टर्म्स पर देखते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं, क्लोथिंग, फूड, हाउस रेंट, फ्यूल, लाइटिंग और मिसलिनियस एक्सपेंसेस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस मतलब ये सारे तो आप जानते हो, मिसलिनियस एक्सपेंसेस मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो इन सारी चीज़ों में नहीं आती हो, ठीक है, ये सारी चीज़ों में नहीं आती हो, बाकी नॉर्मल पीपल खर्चा कर रहे हो या वेरी पुअर पीपल इस पर खर्चा कर रहे हो, बट वो इन सारी चीज़ों में नहीं आती, तो वो मिसलिनियस में चला जाता है, ठीक है। तो मतलब फैमिली बजट में से कौन कौन सी चीज़ों को कितना कितना वेटेज दिया हुआ है वो अपन एनालाइज करते हैं। अब देखो क्या बोलता है ये, फैमिली बजट इंक्वायरी हेल्प्स इन द डिटरमाइनिंग हाउ मच एन एवरेज फैमिली ऑफ क्लास सेलेक्टेड स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, यानी सेलेक्टेड जो क्लास ली है अपन ने उस पर जो नॉर्मल पीपल है वो कितना खर्चा करते हैं, कौन कौन किस किस चीज़ों पर, सेलेक्टेड कमोडिटीज़ पे, यानी फूड पे, हाउस पे, रेंट पे, फ्यूल, लाइटिंग और मिसलिनियस एक्सपेंसिस पे कितना करते हैं, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें लास्ट स्टेप थ्री, ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशंस। प्राइस कोटेशन से क्या मतलब है, प्राइस कोटेशन से मानो देखो ये एक दुकानदार है, ये डील किया, ये दुकानदार है। अब देखो तीन जने इसके पास सामान लेने आ रहे हैं, ठीक है, एक जो है वो इसके मामा का लड़का है, मान लो सामान लेने आ रहा है, ठीक है, दूसरा जो है इसके आस पड़ोस में रहने वाला है, और तीसरा जो है वो इसको नहीं जानता। तो अब ये देख रहा है कि यार मेरा रिश्तेदार है, इसको एक काम करता हूँ, कोई चीज़ 10 रुपये की है ना, तो एक काम करता हूँ इसको 8 रुपये में दे देता हूँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, आप जान पहचान के वहाँ से लोगे सामान आपको सस्ते में मिलेगा। सेकंड पड़ोसी है, तो वो सोचेगा यार पड़ोसी को भी डिस्काउंट तो देता हूँ, पड़ोसी आखिर, तो इसने इसको 9 रुपये में दे दी। अब ये तीसरा जना, अब ये सोच रहा है कि यार मैं तो इसको जानता भी नहीं, पता नहीं कौन है क्या नहीं है, एक काम करता हूँ इससे 11 रुपये लेता हूँ। तो मतलब
कोई भी दुकानदार, कोई भी रिटेल आदमी हर एक इंसान से अलग अलग प्राइस ले सकता है, ठीक है, समझे इस चीज़ को। तो उस चीज़ का जब अपन लिखते हैं उसको अपने किस में प्राइस इंडेक्स में इंक्लूड करते हैं, तो वो किस में आएगा, ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशंस में आ जाएगा, किस किस इंसान से कौन कौन सी प्राइस चार्ज की जा रही है, समझे। तो इन सारी चीज़ों को अपन ने बहुत डेफिनेशंस वगैरह लेके नहीं समझा, क्योंकि इसका कोई मतलब भी नहीं है। डेफिनेशन आपको बुक में, नेट पे कहीं भी मिल जाएगी, बट इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या है मेन वो समझना। तो वो अपन ने समझ लिया है कि सबसे पहले अपन कवरेज डिसाइड करेंगे कि अपन को कौन सी लेनी है, क्लास लेनी है। फिर अपन को ये देखना है कि वो क्लास कौन सी चीज़ों पे कितना खर्चा करती है, और कौन सी चीज़ें कौन कौन सी है, पांच चीज़ें हैं, कौन कौन सी, फूड है, क्लोथ है, हाउस रेंट है, फ्यूल है, लाइटिंग है और मिसलिनियस है, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि किस किस पर्सन से कितना कितना अलग चार्जेस किया जा रहा है दुकानदार के द्वारा, रिटेल पर्सन के द्वारा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं लास्ट, डिफ़िकल्टीज इन द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने में अपन को कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती है। तो डिफ़िकल्टीज़ की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले डिफ़िकल्टीज़ है सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होगा। जैसे अगर पुअर पीपल है या फिर वेरी पुअर पीपल अपन ने लिए, तो उन सबका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग हो सकता है। कि हो सकता है किसी को दवाइयों पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, हो सकता है किसी को पानी पे, खाने पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, हो सकता है किसी को कपड़ों पे खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबकी डिमांड्स अलग अलग हो सकती है, कंजम्पशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उन सबकी लिविंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है, एज ए एवरेज निकालना पड़ता है। मेन अपन पूरा 100% नहीं बता सकते। फिर अगर अपन बात करें तो डिफरेंस इन प्राइसेस के, जैसे अपन ने देखा था कि जो रिटेल आदमी है, जो रिटेल में सामान बेचता है, वो अलग अलग इंसान से अलग अलग प्राइस ले सकता है, तो उसमें भी क्या सकता है, डिफरेंस आ सकता है, समझे। कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं स्टेट की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उस चीज़ पर सब्सिडी दे रही है, और कहीं बाहर वाली स्टेट की क्या कर रही है, सब्सिडी नहीं दे रही है। बाकी एज ए वेरी पुअर ले रहे तो वो वेरी पुअर में दोनों भी आ रहे हैं, कि एक स्टेट के अभी आ रहे हैं, बीस स्टेट के भी आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर अगर अपन लास्ट बात करें, डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शन अलग हो सकता है। अब देखो, वेरी पुअर पीपल अपने लिए, तो वेरी पुअर पीपल में से एक जना कमा रहा है मान लो 5,000, ठीक है, 5,000 रुपये कमा रहा है, और वो 5,000 रुपये में से 4,500 रुपये खर्च कर रहा है और कंजम्पशन कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। और फिर एक और है वेरी पुअर में 5,000 रुपये कमा रहा है, बट उसमें से वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है 5,000 रुपये का खर्चा, ठीक है, जितना कमा रहा है उतना खर्चा कर रहा है। तो दोनों का क्या हुआ, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर अलग अलग हुआ, कि ये क्या कर रहा है, ये अपना 90% खर्चा कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, अपना 100% खर्चा कर रहा है, दिख रहा है साफ साफ। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये डिमांड क्या करेगा, थोड़ी ज़्यादा करेगा क्योंकि इसकी नीड ज़्यादा है, और ये क्या करेगा, डिमांड कम करेगा क्योंकि इसकी नीड कम है। अब मिडिल क्लास में भी अपन ऐसे ले सकते हैं। मिडिल क्लास में क्या हो सकता है कि कोई इंसान है जिसकी इनकम मान लो 50,000 है, ठीक है, तो 50,000 में से कोई इंसान 25,000 रुपये का खर्चा कर रहा है, ठीक है, और एक और आदमी है जिसकी इनकम 50,000 है, जो 50,000 में से क्या कर रहा है, 40,000 रुपीज़ का खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का एक्सपेंडिचर अलग अलग हो सकता है उनकी नीड के हिसाब से, समझे। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या देखा, मेनली अपन ने एज ए इंट्रोडक्शन लिया किसका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले देखी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है वो अपन ने कवर करी। फिर अपन ने देखा कि कंस्ट्रक्शन किस किस टाइप से कर सकते हैं, तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहले एक ग्रुप पकड़ो, एक ग्रुप की फैमिली पकड़ो, फैमिली में कौन कौन सी चीज़ों पर कितना कितना एक्सपेंडिचर होता है वो देखो। फिर अपन ने देखो कि जो है उसका प्राइस कोटा क्या है, कोटेशंस क्या है, मतलब कि अलग किस किस जनों से कितना कितना चार्ज किया जा रहा है, उसकी चीज़ को अपन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं लास्ट के डिफ़िकल्टीज क्या क्या आती है, क्योंकि सबका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, अलग है, तो मतलब एक सिंगल वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। फिर सबसे अलग अलग प्राइस चार्ज की जा रही है। अब जैसे वो दुकानदार था, उसके मामा का बेटा था, तो अब मामा का बेटा है, भले ही वो वेरी पुअर में आ रहा हो, बट उससे प्राइस क्या हो रही है, कम चार्ज हो रही है। अब जो दूसरा है, नॉर्मल इंसान है, जो उससे यूं ही चीज़ लेने आया, भले वो भी वेरी पुअर हो, बट उससे क्या हो रही है, थोड़ी सी हाई चार्ज हो रही है। तो दोनों से अलग अलग चार्ज हो रही है, तो मतलब प्राइस में डिफरेंसेस आ सकते हैं। फिर अपन ने लास्ट करी तो डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या ऐसा हो सकता है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर दोनों का अलग अलग हो, कि जिससे हाई प्राइस चार्ज करी जा रही है उसे क्या करना पड़े, बहुत सारी इनकम एक्सपेंडिचर में लगानी पड़े, मतलब 5,000 के 5,000 वो पूरे एक्सपेंडिचर ही कर रहा है, और जिससे कम प्राइस चार्ज की जा रही हो वो 500 रुपये बचा रहा है, ऐसा हो सकता है,
ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।